नमस्कार मित्रों, लर्न इज स्मार्ट में आपका स्वागत है। ये लोको पायलट और ग्रुप डी के लिए पुराने पेपर्स के जीके क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें हम पुराने पेपर्स से जीके सेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? उत्तर है इस्पात में, यानी कि स्टील में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगणमन पहली बार कब गाया गया? तो इसे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका उत्तर है राइटर। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लाल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर है रुपया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, यानी कि कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे सन है सूर्य और इधर चंद्रमा है, इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से जो किरणें चलती है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती यहाँ तक, इसलिए चंद्रमा की रिफ्लेक्शन जो होती है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती, इसीलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ब्लू बुक। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है तूफान का आना। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1866 में। अगला प्रश्न है, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया था? इसका उत्तर है इयान फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो तीन प्रकार के आपातकाल भारतीय संविधान में बताए गए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 360 वित्तीय आपात होता है, 352 नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात होता है और 356 राष्ट्रपति शासन होता है किसी विशेष जिले पर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है पांचवें भाग में। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? इसका उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? इसका उत्तर है यूनान। अगला प्रश्न है, स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है? उत्तर है
गुप्तकाल पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। आगे देखते हैं, दो क्रमिक देशांतर के बीच कितना अंतराल होता है? उत्तर है 4 मिनट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई क्या है? उत्तर है सचिवालय। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? उत्तर है 25 सेंटीमीटर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। आगे देखते हैं, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आगे देखते हैं, प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? इसे हम कैलोरी मान कहते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? उत्तर है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? उत्तर है निकल और क्रोमियम। अगला प्रश्न है, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड किस में उपचयित होता है? इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? उत्तर है स्वामी शिवानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसे ऑक्टेन नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? उत्तर है काला। आगे देखते हैं, खेल कूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? तो थर्ड आई क्रिकेट के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, गधा और घोड़ी का संकर क्या होता है? तो गधे और घोड़ी का संकर खच्चर होता है। अगला प्रश्न है, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है झारखंड। आगे देखते हैं, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, शरावती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? उत्तर है यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर है मैसूर में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव में दें और शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।